नमस्कार दोस्तों, फोर्टी वाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मटन कलेजी की रेसिपी शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज के लाइक का गोल रखते हैं 200। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन कलेजी ले लिया है, अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 4 चम्मच दही। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये रोटी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। 4 चम्मच दही डाला है। अब हम यहाँ पे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच हम अभी ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम हम 20 मिनट इसे मैरिनेट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम आगे का रेसिपी शुरू करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। कढ़ाई में हम ले लेंगे तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद डालेंगे छोटे चम्मच के 1 चम्मच साबुत जीरा। खड़े मसाले में हम डालेंगे 4-5 लौंग, 6-7 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी की। सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से खड़े मसाले भून जाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को मिक्सी में पीस के। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम 2 से 3 मिनट प्याज को भूनेंगे। बस 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है यहाँ पे। अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को पीस के। अच्छे से 3 से 4 मिनट हम भून लेंगे। अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट टमाटर डालने के बाद भून लिया है। अब हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच बच गया था वो हम डालेंगे। अच्छे से 2 मिनट भूनेंगे। अच्छे से मसाले हमारा भून गया है। अदरक डालने के बाद 1-1.5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हमने थोड़ा थोड़ा ड्राई मसाले ऐड किया था, तो उसमें से हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मसाले डालने के बाद हम कुछ देर भूनेंगे। मसाले को हमने कुछ देर भून लिया है। आप देख सकते हैं मसाले हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम मैरिनेट करे हुए जो कलेजी है वो डाल देंगे। अच्छे से हम 3-4 मिनट भूनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ढक के पकाएंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल ली हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अच्छे से पहले हमें इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेना है, उसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे।
दो से तीन मिनट हाई फ्लेम में चलाते हुए इसे भून लिया है। अब हम पैन को कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे करके। बीच में हम एक दो बार चेक भी कर लेंगे जिससे नीचे ना चिपके। 7 से 8 मिनट हमने इसे ढक के पकाया है और आप देख सकते हैं अच्छे से ये भून गया, साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। आप इसी स्टेज पे कुकर में भी इसे पका सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पे पानी डाल के कुकर में 2 सीटी लगा सकते हैं, उससे जल्दी बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डालूँगी। करीब 400 ml अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ऊपर से डालना है हमें कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम करके हम इसे पकाएंगे ढक के 20 मिनट। 20 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। तो पैन को कवर कर देंगे, गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। बीच में आप एक दो बार चेक कर लीजिएगा जिससे नीचे ना चिपके। 20-22 मिनट हो गए। मटन कलेजी हमारा बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम में बस 1 मिनट इसे और ड्राई कर लेंगे। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। ऐसे थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, और ड्राई चाहिए तो 2-3 मिनट अपने हिसाब से और पका लीजिएगा। ऊपर से आप धनिया पत्ते डाल के सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे धनिया पत्ते नहीं डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा हम ग्रेवी को और ड्राई नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा मटन कलेजी बनके तैयार है, हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मटन कलेजी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। आप इसे रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व करेंगे, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए कोई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।